नाउ वो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस कंसेप्ट। प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझा था? मोनोहाइब्रिड। अभी तक जो भी आपने समझा वो क्या था आपका? मोनोहाइब्रिड। देखो मोनोहाइब्रिड में क्या था, अगर मैं मोनोहाइब्रिड की बात करता हूं तो आप इसको ऐसे समझो, इसमें क्या होता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो होते हैं एक ही लिया जाता है। जैसे कि अभी तक जो आपने देखा उसमें आपने क्या देखा था? हाइट ऑफ प्लांट। एक पी प्लांट क्या था? टॉल। और दूसरा क्या था? शॉर्ट, या जिसको हम क्या कहते हैं? टॉल। या दूसरा एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा? कलर। एक पी प्लांट का जो कलर था वो कैसा था? वॉयलेट। और दूसरे पी प्लांट का कलर कैसा था? व्हाइट। तो अगर मैं ट्रेड्स की बात करता हूँ तो है तो सिंगल, यहाँ बात कर रहे हो हाइट को लेके, यहाँ बात कर रहे हो कलर ऑफ फ्लावर को। डाई हाइब्रिड में एक साथ आप दो ट्रेड्स को लेके चलते हो, एक साथ आप दो ट्रेड्स को लेके चलते हो। अब इससे मेरा मतलब क्या, पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हाट हैपन्स व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन जस्ट वन, रादर देन जस्ट वन आर ब्रेड विद ईच अदर। व्हाट टू द प्रोजनी ऑफ ए टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स। अब देखो दो ट्रेड्स की आप बात कर रहे हो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड्स की बात करूं, एक तो आप कह रहे हो हाइट, और हाइट के टर्म्स में आप क्या कह रहे हो? टॉल प्लांट। फिर आप क्या कह रहे हो उसके सीड्स कैसे हैं? एक पी प्लांट है जिसकी हाइट जो है वो बड़ा है, मतलब हाइट उसकी टॉल है, और सीड उसके कैसे राउंड शेप में है, ये समझदार है ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है? एंड ए शॉर्ट प्लांट, दूसरा प्लांट कैसा है? अब हाइट के साथ देखो, हाइट एक तरफ होगी, एक तरफ हो गया टॉल प्लांट, इसके साथ हाइट क्या होगी? शॉर्ट प्लांट। एक ट्रेड तो ये हो गया आपका। फिर आप क्या कह रहे हो? विद रिंकल सीड्स। अब यहाँ पे जो सीड की शेप थी वो कैसी थी? राउंड शेप। और इसके साथ जो आपने शेप ले ली वो कैसे ले ली आपने? रिंकल शेप। अरे बताओ इसमें कोई डाउट? तो दो ट्रेड्स क्या आप एक साथ आप क्रॉस क्रॉस करवा रहे हो। मोनो में क्या था? सिंगल ट्रेड। मोनो में आप कैसे लेते थे? अगर मोनो हाइब्रिड की बात करूं, या तो आप टॉल के साथ शॉर्ट का क्रॉस करवाते, क्रॉस पोलिनेशन करवाते, या ब्राउन सीड शेप प्लांट के साथ रिंकल शेप सीड प्लांट की पोलिनेशन करवाते। लेकिन आप क्या कर रहे हो? टॉल एंड राउंड सीड्स, टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स क्रॉस पोलिनेटेड विद शॉर्ट प्लांट विद रिंकल शेप सीड्स। तो ये डाई हाइब्रिड हो गया। डाई हाइब्रिड का मतलब समझना है दो ट्रेड्स को एक साथ लेके आप चल। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस डोमिनेंट ट्रेड। अब उसने एक्सपेरिमेंटली पहले बता दिया कि टॉलनेस और राउंड क्या है आपके डोमिनेंट ट्रेड है। तो कहना है सीधा टॉल के लिए फिर मैं कैपिटल टी जींस लूंगा, क्योंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल में आएगा, और राउंड है तो क्या लोगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका मतलब शॉर्ट के लिए फिर क्या होगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। और अगर ये कैपिटल आर है तो रिंकल क्या होगा आपका? स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसमें कोई डाउट? तो कहना ही से दैट आप जो क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हो, जो हम क्रॉस पोलिनेशन करवा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा। टॉल प्लांट का पेरेंटल जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो पेरेंटल जनरेशन में दो ट्रेड्स है। टॉल, टॉल प्लांट के लिए हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी। और राउंड सीड्स, ये भी डोमिनेंट ट्रेड है तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये क्लियर है। फिर शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट के लिए क्या हो गया? स्मॉल टी, स्मॉल टी। और रिंकल सीड्स के लिए क्या हो गया? स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब गैमेट्स जो होता है वो एक ही ट्रांसफर होता है पेयर से, तो कैपिटल टी टी से जो गैमेट ट्रांसफर होगा मैं बोल सकता हूँ वो कैपिटल टी होगा, और कैपिटल आर आर से जो गैमेट ट्रांसफर होगा वो होगा कैपिटल आर। ये समझ आ गया? यहाँ देखो स्मॉल टी टी से जो गैमेट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? स्मॉल टी। और स्मॉल आर आर से भी ये गैमेट ट्रांसफर होगा स्मॉल आर। फिर हमें क्या बनाना होता है? पनिट स्क्वायर। पनिट स्क्वायर में क्या होगा? इसके गैमेट लिखो कैपिटल टी, कैपिटल आर। एफ वन जनरेशन में जब क्रॉस पोलिनेट करवाओगे किसके साथ करवाओगे? ये गैमेट इसके साथ होंगे, तो स्मॉल टी आर। ये समझ में आ गया? अब देखो लिखोगे कैसे, पहले तो एक ट्रेड जो है आपका वो हाइट वाला है उसको लिखो। तो पहले उसका कैपिटल अल्फाबेट, फिर स्मॉल। पहले डोमिनेंट को लिखा जाता है फिर स्मॉल। दूसरा ट्रेड है शेप ऑफ अ सीड, उसमें डोमिनेंट क्या है? कैपिटल आर, और रिसेसिव क्या है? स्मॉल आर। अब अगर आपका कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो एक चीज तो क्लियर है, जहां आपको कैपिटल टी और कैपिटल आर दिखेगा वहां टॉल हाइट होगी और शेप कैसी होगी? राउंड। क्योंकि
डोमिनेंट ट्रेट में एक भी अगर वो आ जाता है अल्फाबेट, यानी कि एक गैमेट्स अगर उसका आ जाता है डोमिनेंट का, तो फिर वही होगा, उसी का असर दिखाई देगा। तो अगर ये डोमिनेंट है तो अल्फा जनरेशन में जाहिर सी बात है फिर यही दिखाई देगा। हाइट में क्या दिखाई देगा? टॉल प्लांट, और शेप ऑफ सीड में क्या दिखाई देगा? राउंड शेप्स। अब क्या करेंगे हम एफ टू जनरेशन के लिए, क्या करेंगे इसी को सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे इसी के साथ, यही करते हैं। मोनो हाइब्रिड में जैसे किया है, डाई हाइब्रिड में भी वैसे ही होता है। अब आप क्या करोगे नाउ, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ एफ वन प्लांट, ये जो एफ वन प्लांट जो है इसको हम सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे। तो कैन आई से दैट कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, ये जो ट्रेट है आपका, इसको इसी के साथ आप क्रॉस पॉलिनेट करवाओगे। अब देखो, अब इसमें से देखो पॉसिबल जो गैमेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, एग्री करते हो? कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है, राइट? इसी तरह से स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, या स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर हो सकता है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब यहां से जो गैमेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं भाई? कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर हो सकता है, और कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर हो सकता है, पहले बताओ ये क्लियर। इसी तरह स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर हो सकता है, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर हो सकता है। हाँ जी, यहां पर आप देखो, ये जो आप जब क्रॉस पॉलिनेट करवाओगे आप, तो इनके साथ भाई सेकंड जनरेशन में क्या होता है, जितने भी पॉसिबिलिटीज होती है वो सारी आ जाती है। इसलिए सेकंड जनरेशन में जो भी आपको पॉसिबिलिटी दिखाई देगी आपको सभी को लेके चलना है। कैपिटल टी कैपिटल आर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और कैपिटल टी स्मॉल आर का भी हो सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी हो सकता है, और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर भी हो सकता है। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है? सेम ये चीज यहां पर भी होगी, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, देन स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। फिर यहां तक चले आगे, ठीक है? अब देखो, जब आप ये क्रॉस पॉलिनेट करवाओगे, तो देखो जितने भी ये ट्रेड्स हैं आपके, जितने भी ये ट्रेड्स हैं आपके, पहले एक तो साइड में ये लिखोगे कैपिटल टी आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर लिखा। फिर यहां भी इसी तरह से लिखोगे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये क्लियर हो गया, ठीक है? अब क्या होगा, क्या अगर जब मैं इन दोनों को क्रॉस करता हूं तो क्या होगा? कैपिटल टॉल के साथ पहले टॉल पूरा, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये समझ में आ गया। अब इसको जब आप इसके साथ करोगे तो क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये समझ में आ गया, ठीक है? आगे देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है? यहां देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इज इट क्लियर? आगे देखो, कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर इज इट क्लियर, ठीक है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, ये भी क्लियर, ठीक है? नेक्स्ट वैल्यू पर आ जाओ, इसको जब आप इसके साथ करोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्लियर हो गया, ठीक है? देन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्लियर, ठीक है? स्मॉल टी कैपिटल आर, ये क्लियर, ठीक है? स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वैल्यू भी क्लियर? फिर से देखो, आई थिंक यहां पर एरर हो गया, कैपिटल स्मॉल टी और क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। यहां पर ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर,